अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन, मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान में क्रिकेट के मामलात, बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट के मामलात। क्रिकेट बहरहाल शुरू हुई 4 माह के बाद। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की टीम के दरमियान साउथहैम्पटन में टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ। पहला दिन बारिश के बायस खासा मुतासर रहा, सिर्फ 52 मिनट का खेल हुआ पहले दिन और उसमें 34 रन बनाए एक खिलाड़ी के नुकसान पर। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया था। दूसरे रोज़ खेल जब तक हुआ है, जब तक हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस वक्त आउट हो गई थी इंग्लैंड की टीम। 204 रन बनाकर आउट हुई। जेसन होल्डर कप्तान वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग की और तीसरे नंबर पर हैं टेस्ट मैच बॉलर्स में, और आज उन्होंने दिखाया कि क्यों उनकी इतनी अच्छी रैंकिंग है टेस्ट मैच में। 800+ उनके पॉइंट्स हैं और ख़ासकर उनकी बॉलिंग के हवाले से बहुत कुछ हमने एनालिसिस में भी पढ़ा कि पिछले 2 सालों में अगर आप देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरे पास पैनल में मौजूद हैं क्रिकेटर्स, वो इस पर रोशनी ज़रूर डालेंगे। वो ये कि 2 साल में अगर देखें तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट से गेंद को रिलीज़ करते हैं फास्ट बॉलर्स, उसमें ये टॉप पर हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ सामने आई थी, इस पर मैं बात करूँगा। उसके अलावा पाकिस्तान के भी क्रिकेट मामलात हैं। पाकिस्तान की टीम ने भी पहला टेस्ट मैच खेलना है अगस्त में और इंग्लैंड में मौजूद है पाकिस्तान की टीम, टुकड़ों में पहुँची लेकिन इस वक्त मौजूद है, तैयारी कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और छोटा सा धचका यूं लगा कि एशिया कप जो होने की तवक्को थी वो मुलतवी हुआ। मुलतवी एक रोज़ पहले ऐलान कर गए थे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सौरव गंगोली, लेकिन आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बाकायदा इसका ऐलान किया। दो मेरे साथ गेस्ट मौजूद, दोनों ही साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट बैट्समैन शादाब कबीर मेरे साथ हैं। mid-90s में पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेली इन्होंने और अब तजियाकारी करते हैं और बड़ी अच्छी तजिया ये करते हैं। उनके साथ तनवीर अहमद, तारुफ के मोहताज नहीं, आप देखते रहते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, ये भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर और ये भी बड़ा खुल के तजिया करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हजरात। थैंक यू। मेरा किस बात का शुक्रिया भाई, आपने बुलाया। चले, हम तो आपको बुलाते रहते हैं, आप आते ही नहीं है। आप अभी भी पता नहीं कहाँ से आपने कब बुलाया, आप पता नहीं अभी भी आपने टोटल में 2 दफा बुलाया, एक पहले बुलाया उसमें भी हम आए, एक आज बुलाया उसमें भी, हमने मना तो नहीं किया। चले, आपका बहुत बहुत मतलब पक्का कर रहे हैं कि अब जिस टाइम आप बुलाएंगे, जिस टाइम बुलाऊं मैं उस टाइम आपको कोशिश करनी है, पूरी कोशिश है, जब टाइम होगा तो आ जाएंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, आपको वैसे अगर नहीं आया तो आप तो बुरा मना जाएंगे। नहीं नहीं, बुरा नहीं मानता मैं। शादाब कबीर यार, इनको चुप कराएं, आपको इसलिए बुलाया कि आपको चुप कराने वाला कोई भी नहीं है, इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ इनको चुप कराने वाला, तो फायर मतलब वजह एनर्जी जाया करने वाली बात है। अच्छा भाई, क्रिकेट शुरू हो गई शायद आपको भी, कैसा लगता है, कैसी आपको गहमा गहमी तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी क्रिकेट का आगाज बहरहाल हो गया। बिल्कुल, बड़ी खुशाइन बात है और आपको पता है कि लाइफ में ऐसा लग रहा था कुछ चीज़ मिसिंग है हमारी। फाइनली बायोसिक्योर माहौल में जिस तरह हम देख रहे थे क्रिकेट का आगाज शुरू हो गया है। क्रिकेट किस शेप में जाएगी ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक दो मैचेस के अंदर जाहिर सी बात है प्लेयर जो हैं थोड़ा सा आदी हैं बॉल को थूक लगाने में, इस एनवायरनमेंट को किस तरह अडॉप्ट करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप के इस किस्म के जो ICC ने रूल जो इन्होंने दिए हैं उसमें रहते हुए क्रिकेट की जो असल शेप थी, जो ब्यूटी थी क्रिकेट की, वो बरकरार रहे, जो कि आज हमें मैच में नज़र आई इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के मैच के अंदर, जो कि आपको पता है वेदर हमेशा से वहाँ पर प्रॉब्लम करता रहा है, ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी, लेकिन थैंक गॉड कि क्रिकेट वापस आई है और उसको एंजॉय करते हैं अभी। आपने देखा जेसन होल्डर के बारे में, तनवीर आपसे पूछूं क्योंकि आप बॉलर हैं, कि बहुत ज़्यादा ऊपर से गेंद छोड़ने से क्या फ़ायदा होता है बॉलर को? देखिए, अगर आप हाइट की बात करते हैं तो उस मेरे ख्याल है मोहम्मद इरफान से ज़्यादा हाइट तो इनकी है नहीं, लेकिन दिमाग इस्तेमाल भी करना होता है। अच्छा। इसके पास दिमाग बड़ा अच्छा है क्योंकि जिसकी हाइट ज़्यादा होती है उसके पास एडवांटेज ये होता है अगर वो तरीके से गेंद करे, क्योंकि बैट्समैन पहली फुर्सत में उसको पता है कि मैंने बैक फुट पे रहना है क्योंकि इसकी हाइट है, ये पीछे भी कर सकता है, बैक फुट पे मैं ज़्यादा चांस लूंगा खेलने का। लेकिन अगर आपकी हाइट अच्छी और आप अगर सिचुएशन के हिसाब से, पिच की कंडीशन के हिसाब से अगर आप उसको बॉल आगे करेंगे, जिस तरह इंग्लैंड के अंदर मैच हो रहा और 6 आउट किया उसने होल्डर ने, उस पर फिर बैट्समैन का जो पाँव है वो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके पहला माइंड यही होता है कि गेंद वो पीछे करेगा। तो आप अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसके आई थिंक 40 मैचेस में 100 से ऊपर उसके विकेट्स हो चुके हैं, तो इस टाइम जितने भी बॉलर्स हैं वो सबसे कामयाब बॉलर है। और आप जिसने बताया जिस तरह रैंकिंग उसकी तीसरे नंबर पे, उसकी अगर आप उसको बॉलिंग करते हुए देखें तो आप उसको कहीं अली रेट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे ये तो किसी लाइन में भी नहीं आता है। लेकिन अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो उसमें आपको नजर आता है कि वाकई इसकी जो पोजीशन है
उसकी जो पीछे परफॉर्मेंसेज हैं वो नज़र आती हैं। और मैंने कई जगह एक जगह सुना भी था कि इसको बार बार कप्तान इस वजह से बनाया जाता है क्योंकि ये क्रिकेट सिचुएशन को रीड बड़े अच्छे तरीके से करता है, ये प्लेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलता है। जब ये इसको कप्तानी से हटाया गया था उस टाइम ये इशू शुरू हो गए थे कि इसी को कप्तान बनाओ, ये समझता बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह हमारे लोगों को प्रोफेसर का नाम बिला वजह दे दिया गया, इसको भी कहां से बात हो रही है बिला वजह प्रोफेसरों का, सुने ले आए, सुने ये आज तय करके आए घर, बिला वजह यार बात तो करने देना, बिला वजह प्रोफेसरों का नाम दे दिए, शायद इसको भी वेस्टर्न टीम में कोई प्रोफेसर प्लस कोई कहता होगा कि यार वाकई प्रोफेसर प्लस है, इसको बड़ी समझ है, प्लस मैंने क्यों बोला क्योंकि हाइट का एडवांटेज दे दिया प्लस, इस वजह से क्रिकेट की बात कर लेते हैं। जो रूट के ना होने से एक्सपोज हो गई इंग्लैंड की बैटिंग, या ये टॉस जीत के बैटिंग का फैसला गलत था? देखिए आसिफ भाई, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला मैं तो नहीं समझता गलत था, क्योंकि क्रिकेट में आपको पता है कि अगर हर जो बैट्समैन है स्पेशली ओपनर जो है वो इस चीज़ के आदी होते हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस, चार महीने के बाद बिल्कुल फ्रेश पिच, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। देखिए जब आपका बॉल ज़्यादा सीम हो रहा होता है ना तो बैट्समैन को इतना डिसएडवांटेज नहीं होता, समटाइम ये होता है कि बॉल आपके बल्ले के पास से निकल जाती है, इंग्लैंड में आपको पता है जब बॉल ज़रा सा विकेट ड्राई होता है तो वह एज लेना शुरू कर देती है, तो समटाइम बैटिंग आप बड़े पॉजिटिव होते हो, आप कोशिश करते हो कि आप जाओ वो जो घंटा होता है उसमें सर्वाइव करें, तो समटाइम बैकफायर हो जाता है, आपको पता है मैच पहले दिन भी रुक गया था, तो एक मोमेंटम जो है वो टूटता रहा है, जिसका इंग्लैंड को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन डेफिनेटली जॉय रूट के ना होने की वजह से एक उनकी बैकबोन है वो बैटिंग की भी, कप्तान भी आपको पता है बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कप्तान है वो, टीम को उन्होंने बड़ा परफॉर्म करके, खुद भी वो फ्रंट परफॉर्म करके टीम को लेके चलते हैं, नो डाउट उनका बहुत बड़ा एक ना होने से नुकसान होगा, लेकिन ये देखने के इंग्लैंड किस तरह बॉल, क्योंकि इंग्लैंड अपनी कंडीशन के अंदर बहुत खतरनाक है, तैयारी ऐसा लग रहा था करके आए बॉलर। देखिए इसमें बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग क्यों की पहले, देखिए उसकी वजह ही, अब जिस तरह आपने बोला कि तीन चार महीने से क्रिकेट नहीं हो रही, पिच बिल्कुल फ्लैट होगी, लेकिन फ्रेश होगी लेकिन वहाँ पे सूरज तो नहीं निकलता ना, वहाँ पे बारिश तो क्रिकेट नहीं हो रही थी लेकिन बारिश तो हो ही रही थी ना, पिच जो है वो सॉफ्ट है जिसकी वजह से उसने टॉस जीत के बैटिंग की, और ये अभी जो वेदर है ये इसमें हो सकता है आगे के दिनों में भी बारिश होती रहे, जब बैटिंग मुश्किल जब सॉफ्ट पिच होती है ना उसमें आपको बैटिंग करना आसान होता है, क्योंकि एक तो बॉल आपका तेज निकलता नहीं है, अगर स्विंग सीम जिस तरह इन्होंने बोला होता है वो निकल जाता है बॉल, वो बैट्समैन के बल्ले पे लगे एज वगैरह लगता नहीं है, तो उसमें उसने एडवांटेज इस वजह से लिए क्योंकि उसके जो बॉलर्स हैं वो भी उनके पेस भी अच्छे हैं, तो वो अगले दिन जाके उसने एडवांटेज लेना था। मैं यही सोच रहा था कि 200 या 225 रन अगर इंग्लैंड की टीम बैटिंग में करेगी तो इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है आप उसकी बॉलिंग देखें, स्टुअर्ट ब्रॉड आई थिंक नहीं खेल रहे हुई है टेस्ट में, लेकिन अगर आप स्टुअर्ट ब्रॉड या जेम्स एंडरसन की आप परफॉर्मेंसेस देखें तो 800-900 विकेट्स तो इन दोनों के हैं, तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है इनके पास, और वुड जो है वो तेज बॉलिंग करते हैं, वो बाउंसर ज्यादा करते हैं, तो इनके दिमाग में ये होगा कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, दूसरे दिन अगर पिच अगर वेदर अच्छा होता रहा तो पिच अगर तेज निकला, उनके दिमाग में ये भी होगा कि 6 टेस्ट मैच खेलने हैं उन्होंने, पाकिस्तान से भी खेलना है ना। हाँ, तो पूरी और जो रूट की जो बात आपने की है उसमें ये है कि वो पाकिस्तान की अगेंस्ट हो सकता है आज है, जॉनी बेस्टू का कोई पता नहीं है, उनको शायद कोई इश्यूज है इस वजह से वो नहीं होंगे, लेकिन जो रूट भी अगर आते हैं तो उसके बावजूद भी जो इंग्लैंड की टीम है वो इतनी बैटिंग उनकी इतनी स्ट्रांग होगी नहीं, क्योंकि डेनली कोई इतने ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, बंस जिस तरीके से खेलते हैं उनको 100% इन पिचेस के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शाहीन जैसी बॉलिंग करते हैं या अब्बास जैसी बॉलिंग कर रहा है, अब्बास को तो वैसे भी एक्सपीरियंस है काउंटी क्रिकेट, वो वहाँ खेला है अभी तो उसको तो एक्सपीरियंस है, लेकिन देखते हैं अब कैसे। अभी बहुत अर्ली है कहना शादाब, लेकिन आपने क्या ये नोटिस किया कि अंदर आती हुई गेंदों में फंसाया है इंग्लैंड के बहुत बैट्समैनों को? देखिए इंग्लैंड में तो होता ही एक है, जितना बॉल आप आगे करोगे उतना खतरनाक होता है, नॉर्मली आप कट पुल पे वहाँ पे कोशिश करते हो कि आपके रन मैक्सिमम कट पुल पे बनते हैं, कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे जो कि आपको नज़र आ रही है, और फिर मैच रुक रहा है चल रहा है उसमें बैट्समैन का एक फोकस नहीं हो पाता, जिसका एडवांटेज वेस्टइंडीज ने उठाया है। और दूसरा ये चीज़ भी आपने देखनी है कि भाई अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अभी इतना बड़ा गैप बहुत होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो जाहिर सी बात है मार्जिन तो होगा, हर टीम देगी हर मैनेजमेंट देगी अपने प्लेयर्स को, आई होप कि ये प्लेयर जल्दी से गोप करें इस चीज़ को। और जो बात तंगीर अभी कर रहे थे वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही विकेट हल्का सा ड्राई होगा वो ज़्यादा बेहतर होता है बॉलिंग के लिए, तो मैं ये समझता हूँ टॉस जीत के बैटिंग करने का कि 6 टेस्ट मैचेज हैं या 8 टेस्ट मैचेज हैं ये किसी भी मैनेजमेंट के जहन में नहीं होती, आप जब पहला टेस्ट मैच जो खेल रहे हो वही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें विकेट बिल्कुल सही रेट की उन्होंने और बैटिंग मैं समझता हूँ बिल्कुल सही ली है। आई होप कि इंग्लैंड भी इस तरह अपनी बॉलिंग अटैक जिस तरह का उनका है
और डेफिनेटली वेस्ट इंडीज को बहुत प्रॉब्लम में डालेंगे। हाँ, उनके पास आर्चर हैं, उसके अलावा जैसा वेदर चल रहा है ना, आर्चर हो गया या वुड हो गया, उनसे ज्यादा डेंजरस जेम्स एंडरसन है। जैसा वेदर चल रहा है वो दोनों स्विंग करता है, आगे बॉल करता है, एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है उसको। और वो 52-151 टेस्ट मैच खेला। हाँ, लेकिन वो फास्ट बॉलर नहीं, वो खेलते ही उसको खिलाते ही टेस्ट मैचेस है ना। आप ये देखें कि उसका जो कॉन्फिडेंस है उन्होंने बिल्कुल खराब नहीं किया ना। आई थिंक उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है वनडे या T20 खेलने से। अगर आप वनडे T20 खेलते हैं और आप टेस्ट मैच के अच्छे बॉलर हैं तो वहां से जब आप मार खाएंगे तो आपका फिर यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उसका फोकस सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की जो क्रिकेट है, आप अगर बहुत ही कोई स्ट्रांग किस्म का एक फास्ट बॉलर है मेंटली फिजिकली वो अगर है तो वो तीनों फॉर्मेट में सर्वाइव कर सकता है, वरना आप अगर मेंटली फिजिकली स्ट्रांग नहीं, आप तीनों फॉर्मेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। और शायद उसने ये भी समझा खुद भी कि मैं अगर टेस्ट क्रिकेट खेलता रहूं तो मेरे लिए ज्यादा ठीक है। 48-49 साल उम्र है जेम्स एंडरसन की, इस उम्र में आप क्या चाह रहे हैं, T20 भी खेलें। लेकिन बहुत जबरदस्त उनका रिकॉर्ड है, लेकिन उनका रिकॉर्ड का जो 70-75% उनकी जो विकेटें हैं वो अब एक चीज में बोलूं, आपने उसकी उम्र बता दी है, हमारे मुल्क में तो 30 साल वाले को कहते हैं बुढ़ा हो गया। हमारे मुल्क में क्या होता है, हम बात करते हैं, हम बात करेंगे। तनवीर बहुत उतावले हो रहे हैं कि पाकिस्तान उतावले नहीं हो रहे, बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन, तनवीर अहमद और शादाब कबीर। और इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड भी होगा, और पाकिस्तान के जो क्रिकेट के मामलात हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के खासकर, उस पर भी हम बात करेंगे। तो भाई अब आ जाएं पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग लाइन, तनवीर आपको कैसी लगती है, एक्सपीरियंस है, इनएक्सपीरियंस है, क्या है? देखिए फिर मैं ये बात करूँगा कि इंग्लैंड के हिसाब से कोई एक्सपीरियंस नहीं है जितनी उनकी विकेट्स हैं। अगर हम पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर वहाँ गए हैं, 7-8 फास्ट बॉलर्स हैं उनके टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक 300 आउट भी नहीं है शायद मिला के। और अगर आप एंडरसन या ब्रॉड को और दूसरों को देखें तो कम से कम 1200-1300 विकेट्स हैं इन सब की मिला के, 2000 तो इन दोनों की होने वाली है। कब से रहे यार। लेकिन इन पिचेस के ऊपर आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। लेकिन अगर आपको समझ है और आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और आप कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, गेंद आगे कर सकते हैं, आपको स्विंग सीम आता है करना, तो मेरे ख्याल में दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन भी इस पिच के ऊपर खेलेगा वो उसको तंग करके रख देगा। सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन हो गया या नसीम शाह हो गया, शाहीन तो नो डाउट हर फॉर्मेट में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नसीम शाह का मुझे ऐसा लगा कि वो आज क्विक लर्नर, मुझे लगता है कि वो इम्प्रूव कर रहा अपनी बॉलिंग को, उसको समझ है कि मैंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर कैसी बॉलिंग करनी है। अब्बास का मैंने जितना पहले कहा कि उसको काउंटी को उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, और जिस लाइन और लेंथ पे वो गेंद करता है वो डिफिकल्ट है बैट्समैन के लिए, अगर उसका अच्छा स्पेल लगता है तो वो भी ट्रबल में। जेसन होल्डर को देख के उनको अंदाजा होगा कि इतनी पेस की जरूरत नहीं है। और तो मेरे ख्याल सोहेल खान और इमरान खान ज्यादा लगाएंगे शायद, हालांकि उसकी जरूरत ऐसा लग रहा है कि है नहीं शायद। यहाँ पे सही जगह पे गेंद करें तो भी आपको फायदा होगा। बैटिंग लाइन पाकिस्तान की कदरे एक्सपीरियंस है बॉलिंग के हिसाब से, आप कैसी देखते हैं? बैटिंग इंग्लैंड जैसी कंडीशन में हमेशा स्ट्रगल करती रही है दुनिया की, आपने वेस्ट इंडीज़ के मैच में भी देखा। उससे पहले मैं सिर्फ बॉलिंग का बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो एक्चुअल प्रॉब्लम हो सकती है, इनएक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, यंग लैड हैं सारे। इंग्लैंड में नॉर्मली प्रॉब्लम ये होता है कि तनवीर को बेहतर पता होगा कि आप बहुत जल्दी स्टिफ हो जाते हैं, आप कितने स्पेल्स कर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, अगर आपने अपनी जगह पे बॉल नहीं की तो जाहिर सी बात है आप अगर दोनों जगह बॉल करते रहे तो आपको पता है कि फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप कि ये लड़के जल्दी से, आपके इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है ऑब्वियसली बात है, उन्होंने उनको ब्रीफ किया होगा। और ड्यूक का बॉल किस तरह इस्तेमाल करना है, आपके पास रिवर्स स्विंग नहीं होगी क्योंकि आपका बहुत बड़ा आर्ट था रिवर्स स्विंग, आप उसने बड़े टेस्ट मैचेस आपको जिताए रिवर्स। लेकिन अच्छी लाइन पे गेंद करें तो 70 ओवर में आप आउट। रिवर्स स्विंग तो वैसे भी नहीं होनी। देखिए ये मैंने तनवीर से पूछनी थी ये बात, आप वेदर तो अभी है ना, हम तो अभी अगस्त में खेलना है यार। देखिए ये समझ लीजिए कि आपने मुझसे पूछना था इसलिए क्या वो तो एक बिल्कुल है। लेकिन जो साहब आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग हमेशा स्ट्रगल करती रही है। अभी आपने साइड मैचेस में जो प्रैक्टिस मैच खेले उसमें आबिद अली का बड़ा आपको पता है उसको थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। आपके ओपनर्स देख रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर किस तरह खिला रहे हैं, क्योंकि अगर फवाद आलम को नहीं खिलाते तो मैं समझता हूं कि आपकी जो मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर अगर एक राइट और एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे, क्योंकि एंडरसन अगर ने ऊपर से उसने उड़ा दिए तो वो बड़ा मुश्किल डालेगा अगर सिर्फ राइट हैंडेड बैटिंग करें, क्योंकि वो राइट हैंडेड को बहुत अच्छी बॉल करता है।
तो आप क्या आप पर से आउट क्या खिला रहे हैं, आप बैटिंग बैटिंग में क्या खिला रहे हैं? मैं समझता हूँ फवाद आलम बनता है एज ए लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि एक प्लेयर आपको चाहिए होगा ऐसा मिडिल ऑर्डर के अंदर। शान मसूद, अजहर अली, बाबर आजम सारे राइट हैंडेड, असद शफीक सारे राइट हैंडेड हैं। ये बनती है ना। हाँ तो हारिस सोहेल की जगह खिला लो, हारिस सोहेल की जगह देखिए वो अगर आप करते हो तो फिर आप बॉलिंग आपको फिर बॉलिंग इफ्तिखार की जगह इनको खिलाएं फवाद को। वो क्या हो गया फेवरेट? नहीं इफ्तिखार मौजूद है ना, मिसबा का फेवरेट खेल जाएगा वो। नहीं वो तो अगर देखो फेवरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर एक्चुअल जो आपको टीम उतारनी चाहिए अगर आप टेस्ट मैच जीतने जाए। अरे हफीज को भूल गया, लेकिन हफीज तो टेस्ट खेल नहीं, हफीज तो चैंपियन टेस्ट नहीं खेल, लेकिन वो कह के गए कि टेस्ट खेल सकते हैं अगर जरूरत हुई तो खेल। यार क्यों नहीं खेल सकते? देखिए अपॉर्चुनिटी 28 लड़के हैं, ये जरूरत पड़े क्यों नहीं खेल सकते? क्यों खेल सकते हैं यार? क्यों जब एक चीज उसने मना कर दी है तो क्यों खेल सकते हैं? नहीं अगर जरूरत है तो खेल सकते भाई, उसने खुद एक्शन ले लिया टेस्ट क्रिकेट के अंदर से। अगर जरूरत हुई तो मैं खेल लूं। क्यों भाई? वहाब रियाज ने भी कहा कि वो तैयार हैं खेल। भाई क्या सरगोधा की टीम है यार? सरगोधा की टीम है? ऐसे नहीं होता भाई। क्या मतलब यार टेस्ट क्रिकेट से आपने एग्जिट ले लिया, बात खत्म हो गई? ये क्या बात है? ले सकता हूं उससे जब नहीं गलत है यार। अब सवाल उनसे पूछा गया, अब सवाल लिया तो ना, तो सवाल है तो उनको जवाब देना चाहिए ना। उनको सवाल उनसे ये पूछा गया था जिस सवाल की आप बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए बोला गया क्योंकि एसओपी का मसला है, फलाना मसला है, ये मसला है, वो मसला है, तो आपके टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे? वो अगर इतना इतना वो होता ना उसको मुल्क की अगर इतनी होती तो वो आगे से कहता कि मैंने टेस्ट क्रिकेट से एग्जिट ले ली है, आप मुझसे सवाल ना करें। वहां पे अगर किसी को कोरोना होता या ना होता ये मेरा मसला नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला है, मैंने तो एग्जिट ले ली है। क्यों उसने बोला कि मैंने खेलूंगा पाकिस्तान के लिए? जब अपना मतलब होता है, जब अपना मतलब होता है, जब अपना मतलब होता है वो पाकिस्तान याद आ जाता, पाकिस्तान के लिए हम ये करेंगे, पाकिस्तान के लिए करना चाहिए, रिटायरमेंट भी दे दो ना फिर पाकिस्तान के लिए। रिटायरमेंट दो ना, एक जाति मेरी रिटायरमेंट क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कहा ना, उसने कहा कि मेरा करियर मेरी मर्जी। हाँ तो उसकी मर्जी है, ठीक है, कोई तो कंडीशन डिफरेंट है ना यार, अभी जो सर्कमस्टेंसेस है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ से अगर कोई प्लेयर खुदा ना खास उसको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या समझे क्वारंटाइन में 14 दिन किसी प्लेयर को बुला के रखा है? बैट्समैन की बात हो रही है, बिल्कुल बैटिंग की बात हो रही है, बैटिंग। अगर आपको जरूरत है तो मैं समझता हूँ खेलना। भाई आपके पास ओपनर कितने हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर? टेस्ट क्रिकेट में शान है, अजहर है, आबिद अली है, इमाम भी है, खेलने वाले तो बहुत अजहर अली है, कितने चार चार तो ओपनर है आपके पास, अजहर अली है, उसके बावजूद भी आपको क्या खेलने वाले जरूरी है या मैच जिताने वाले जरूरी? छोड़े सर, दोस्ती यारी लगी हुई यहाँ पे, एक बात ऐसी आ गई है, इसका एडवांटेज आपको सबसे ज्यादा बॉलिंग का होगा, घुमा के हफीज को ले आए, हफीज की नहीं दोस्ती यारी है भाई, ले आए और इनको, असल में उसके टेस्ट क्लियर हो गए ना, ये भी इनको बुरा लगा। नहीं नहीं मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मचाया था मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बहुत शोर डाला इन्होंने। क्या मतलब जब उसके टेस्ट साइड क्लियर हो गए उसके बाद कोरोना के ऊपर थोड़ी किसी से मजाक, उससे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई है ना कि एमिरेट्स ने भी बोला है कि भाई चुगताई लैब की मुझे चाहिए, उसकी ज्यादा प्रॉब्लम है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। नहीं नहीं चले खैर, अब ये है कि अब जब पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन 29 लोग लेके जाने का मकसद तो ये था ना कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, 29 लोगों लेके जाने का ये था कि प्रॉब्लम ना हो, तो हफीज का नंबर नहीं आएगा, हफीज का नंबर नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं है, हफीज का नंबर नहीं आएगा, आप क्यों परेशान हो रहे? आना ही नहीं चाहिए, आएगा भी नहीं, उसको बोलना भी नहीं चाहिए था। अब वो सवाल किया है तो उसने उसका जवाब दे दिया, ठीक है वर्ल्ड कप आगे चला भी जाएगा तो मैं बड़ा फिट हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये कौन इनको कहता है बयान देने को? आप बताएं ना मुझे, आप तो मीडिया के अंदर है, आप फिट है तो खेल रहे हैं यार, फिट है तो खेल रहे हैं यार, एक तरफ जेम एंडरसन खेल रहा है, जेम एंडरसन 39 साल का जेम एंडरसन इनको कबूल है, एक लग नहीं बोला है उन्होंने उसके बारे में, आपको तो एक चीज रिपोर्ट है, कौन कहता है इन लोगों को? भाई हम सवाल करते हैं, एक सेकंड मेरी बात सुने, जेम्स एंडरसन खेल सकता है 39 साल का, परफॉर्मेंस दे रहा है, खेल रहा है, यही है सारी, उसने परफॉर्मेंस देगा, परफॉर्मेंस देगा तो खेलेगा, परफॉर्मेंस देगा तो खेलेगा, यहाँ पे उम्र की बात नहीं है। मैंने टेस्ट क्रिकेट ही खेलनी, सो गए घर जाके, अगले दिन उठे, ओ मैंने अपने दोस्तों से पूछा, ओ मैंने अपने रिश्तेदारों से पूछा, ओ मैंने अपनी फैमिली से पूछा, मैं दोबारा आ रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट, क्या मजाक बनाया उन लोगों ने? घर की टीम है, इलाके की टीम है, मोहल्ले की टीम है, हो गया हो गया, काम की बात कर ले, काम की बात कर रहे हैं, हमने सवाल करना था आपसे कि ये ड्यूक का गेंद पहला दिन तो बड़ा अच्छा चला, दूसरा दिन बात करेंगे ना, दो दिन तो बड़ा अच्छा चला, ये ड्यूक का गेंद इस वेदर के अंदर बगैर किसी गेंद को थूक वूक लगाए ये कैसा चलेगा आपके ख्याल? यार इस वेदर के अंदर ये बॉल सेमी न्यू बॉल भी सीम होगा, स्विंग होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा,
इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे वेदर ड्राई हो जाएगा, सूरज निकल आएगा, वहाँ पे फिर आपको जोर लगाना पड़ेगा, वहाँ फिर आपको याद आएगा वो यार थूक भी लगाना था, वो तो आप लगा नहीं सकते, इस मुल्क में थूक तो बहुत लगाते हैं लोग, लेकिन क्रिकेट के अंदर तो थूक भी खत्म हो गया, वो फिर सोचेंगे कि यार किधर तो खत्म हो गया, वैसे क्रिकेट ना खेलते तो दबा के थूक लगाते हम, समझ रहे ना, तो वहाँ पे फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इस कंडीशन के अंदर अगर आप पसीना भी यूज करते रहेंगे तो आपका बॉल स्विंग भी होगा, सीम भी होगा, सब कुछ होगा, अगर आपको स्विंग करनी आती है तो, वरना आपको स्विंग करनी नहीं आती तो फिर आप सोचेंगे यार वो टाइम कब आएगा जब मैं रिवर्स स्विंग करूंगा। क्या लेंथ आपके ख्याल में कौन सी आगे, आगे सिर्फ आगे, आगे से चौके खाएं, आप एक्स्ट्रा कवर पे खाएं, ड्राइवे खाएं, सीधा खाएं। मैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर या फोर डे क्रिकेट के अंदर उस बॉलर को मानता ही नहीं जो सामने सीधा चौका ना खाता हो या एक्स्ट्रा कवर पे चौका ना खाता हो। आप यहाँ पे चौके खाएंगे ये मानेंगे भी इस चीज को कि इनका जब तक आप बल्ला नहीं निकलवाओगे ये परेशान नहीं होंगे, लेफ्ट करते रहेंगे पीछे का बॉल आके भी लेफ्ट कर देंगे, बैकफुट पे उसको रोक देंगे, ये खेल लेंगे, जब तक आपका पांव या बल्ला नहीं निकलेगा आप आउट हो ही नहीं सकते। अगर होल्डर का आप देखें जो उसको रन्स बने हैं वो बिहाइंड द विकेट ज्यादा रन्स बने हैं, इसका क्या मतलब है, किस तरह की लेंथ पे बॉलिंग की है? बात है एक उसको हाइट का एडवांटेज जो आप बात करते हैं अनइवन बाउंस बैट्समैन को मिलता है, हाइट का एडवांटेज सबसे ज्यादा ये होता है कि जिस लेंथ पे आप नॉर्मल आप बॉल को करते हो लेंथ की जजमेंट आप करते हो कि यार बैक फुट की फ्रंट पे, वहाँ एक्स्ट्रा एक एज मिलता है, आपने देखा प्लेयर्स के ग्लव्स पे बॉल लगा है तो ऑब्वियसली बात है इंग्लैंड में जो है आगे से आउट किया जाता है। जो अभी आप बात कर रहे थे पाकिस्तान प्लेयर्स, एक एक आर्ट आपके पास मौजूद था रिवर्स स्विंग का, अब आपके पास अगर वो नहीं अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है आप नया बॉल तो करते ही हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है, इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा शहनशाह हो गए, जो भी बॉलर आपके पास ऐसा अवेलेबल है सारे बॉल अच्छा करते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, जो कंडीशन है इंग्लैंड की जिस हिसाब से आप आउट कर सकते हो आपको उसी तरह टीम एक यूनिट की तरह आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल पास में आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से टीम जीती करती थी, अब मैं समझता हूँ कि अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं और ख़ासतौर पर बॉलिंग के हिसाब से मैं आप बता रहा हूँ आपको बड़ा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, अदरवाइज इंग्लैंड में अगर आप 240-250 रन कर लेते हैं तो इंग्लैंड जैसी कंडीशन पाकिस्तान की बैटिंग को प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा ऑर्गेनाइज का मतलब आप समझ गए? मैं अभी कर लेता हूं आपसे, आगे पूछ लेता हूं, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद। पाकिस्तान को ये फायदा जरूर है कि पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरह इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम खेल रही है, तो यहां से भी जरूर वो कुछ स्पिक करेंगे, इतना बड़ा पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है तो यकीनन वो ये सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन, तनवीर अहमद और उनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं शादाब कबीर। बात हो रही थी इस वक्त ब्रेक से पहले पाकिस्तान की टीम को क्या करना है, तनवीर अहमद कुछ मशवरा दे रहे थे, बताइए भाई क्या करना, आप सवाल करें ना मुझसे। अभी आपने बीच में यार मुझे रोक रहे थे आप, मैंने तो मैंने कहा शायद तो मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं है, मैंने तो ये बात ही नहीं करनी थी, तो सवाल आप टॉपिक ही खत्म, मैं तो कर चुका हूँ। जब खेलेगा पाकिस्तान की टीम, जब आप समझते देखे पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का जो मैच हो रहा है वो चीजें नोट कर रही होगी क्या, बिल्कुल कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। और अगर पाकिस्तान की टीम ने कुछ नहीं किया फिर क्या करेंगे आप? नहीं, जब नहीं करेगा तो फिर हम बात करेंगे, तो फिर आपका सवाल क्या बनता है? मैं आपको बुला लूंगा उस टाइम बात करना, फिर मैं आपको बुला लूंगा। वकार यूनुस है, मिस्बा है, शाहिद असलम है, मुश्ताक अहमद है, इतने सारे लोग भाई, मुझे तो डर है प्लेयरों से पहले वही ना लड़ जाए सारे। चलें अब ये बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला था, आप देख रहे हैं एशिया कप होने वाला था कल, गंगोली ने कह दिया कि नहीं होगा, तो गंगोली ने गलत बोला है? नहीं, बिल्कुल सही बोला। अच्छा एक साथ आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कह दिया कि नहीं होगा, एक बंदे ने मुझे पता क्या बोला, डायरेक्टली बोल दिया, बोला कि आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आप इंडिया की तारीफ इस वजह से कर रहे हैं कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाए। मैंने बोला नहीं जी, मैंने इस वजह से नहीं बोला, मैंने बोला भाई वो बीसीसीआई का चेयरमैन है, एहसान मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, जब एसीसी की चीजें उनको पता चली उन्होंने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की, सौरभ गंगोली ने एक चैनल पे बैठ के कह दिया। मैंने बोला भाई चेयरमैन को नहीं पता होगा फिर किसको पता होगा, जब उनसे सवाल हुआ उनसे बात उन्होंने कह दिया, मैंने इसमें क्या गलत बात है, एहसान मानी अगर पहले बता देते तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। तो बात यह है कि हमारे लोग किधर है, हमारे मानी साहब ने भी भारत में खबरें लगी हुई हैं। तो भाई आपको क्यों नहीं इंटरव्यू दिया, पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं बताया, पाकिस्तान के मीडिया क्यों नहीं बताया कि भाई मैं हमें पता चल गया है या हम समझते हैं कि ये एशिया कप नहीं होगा, यहाँ क्यों नहीं बात हुई, दूसरे के चैनल पे जा जाके आप बात कर रहे हो, अपने अपने मीडिया में तो पहले बात करो ना यार। क्या क्या आपको लगता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ये इस तरह की चीजें, ये क्या भारतीय बोर्ड या भारत जैसा जो बोर्ड मजबूत होता है ये उनके इशारों पर चलते हैं?
असमें ऑब्वियसली बात है, भारत क्रिकेट में आपको पता है बड़ी इकोनॉमी है, क्रिकेट आपको पता है रन कर रहा है, पैसा वहीं से ज़्यादा जनरेट होता है। सवा अरब की आबादी भी है ना, ये बात भी ना बोले आप, जो बात उनका सबसे बड़ा एडवांटेज इस बात का है, आपकी एक छोटी सी चीज़ भी करोड़ों में बिकती है। लेकिन जो बात अभी ये तदवीर कर रहा था ना, थोड़ा सा अर्ली है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा तरीके से चल रहा है। और बात ये कि एक ACC ने एक बात करनी थी ना, आप पहले से क्यों बोलोगे? एक चीज़ वहाँ से आएगी तो ऑब्वियसली बात है वो कन्फर्मेशन हो जाएगी। अगर आप पहले से बढ़ के बोल लोगे, जैसे सौरभ गंगुली ने बोल दिया, मैं समझता हूँ थोड़ा सा इंतजार करके बोलते हो ज़्यादा बेहतर होता, जिसका काम है वही करे तो अच्छा होगा। इसकी वजह से थोड़ा सा लगता है कि यार भारत का इन्फ्लुएंस पावर है भाई, बाहर तो ये लग रहा है ना कि उनकी वो ज़्यादा उन्होंने चीज़ें उनके कंट्रोल में, कि वो इन चीज़ों को खातिर मिला रहे, उन्होंने खुद से बोल दिया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने के ममालिक के क्रिकेट के ताल्लुकात ही खराब होंगे, देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ दे दोगे ना, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है ना, और क्या दे दिया, इससे ज़्यादा क्या हो गया। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है, जब पहले उधर से एक चीज़ कंफर्म हो जाती, या वो हो सकता है ओवरनाइट कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि नहीं होना या हो जाएगा, तो जैसे मतलब वेट करते हो। मेरा समझ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही काम किया, अगर ये चीज़ वहाँ से आती चीज़ ACC से पहले आनी चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई शिकायत थोड़ी की है, ना भारत उसका मेजबान है, ना एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर है, किस हैसियत में कह दिया। अच्छा, एहसान मानी ने ये बोला है कि एशिया कप यहाँ नहीं हो रहा था, श्रीलंका में हो रहा था। एशिया कप का ये कहा था उन्होंने कि हमने श्रीलंका को तजवीज़ दी है, ये कैसे बोल दिया उन्होंने, ये उन्होंने नहीं एशिया कप की मीटिंग में हुआ है, उन्होंने ये कन्फर्मेशन ये लिख के कन्फर्म नहीं हुआ कि श्रीलंका होस्ट है, ये कहीं पर लिखा हुआ मैंने नहीं देखा कि श्रीलंका होस्ट करेगा। ये बातें होती रहती हैं आज से भाई, इवन कि IPL को न्यूजीलैंड में कराने की बात की गई है, BCCI को नहीं पता थी ये बात। नहीं नहीं नहीं, वो तो सारी चीजें चलती रहती है, वो पता है, वो सिर्फ श्रीलंका की बात इस वजह से हुई होगी क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर सी बात है इंडिया नहीं आना चाह रहा होगा ना, इंडिया नहीं खेलना चाह रहा होगा, इस वजह से इन्होंने सोचा होगा सेकंड वेन्यू श्रीलंका रखे। लेकिन एशिया कप तो पाकिस्तान का ही था ना, अगर वेन्यू भी चेंज हो जाता तो उसमें क्या नहीं था? ये था कि वेन्यू एशिया कप श्रीलंका को दे दें ये वाला, और 2022 वाला आप ले लें। लेकिन ऐसा है यार, फाइनेंशियली आपको जरूरत है, आप नहीं, इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत इसलिए थी कि पाकिस्तान में मालूम नहीं आप नहीं, तो श्रीलंका में कर लेते ना, एशिया कप पाकिस्तान का ही होता, ग्राउंड चेंज कर लेते, वेन्यू चेंज कर लेते। अब वो तो अब वो सूरत हाल उन्होंने आपस में बैठ के तय की, ये क्यों किया कि 21 का इधर दे दो 22 का हम ले लेंगे, ये क्यों? ये दोनों क्रिकेट बोर्ड्स का मामला है। अभी अंदर की बातें हमें तो नहीं पता ना, अंदर क्या हो रही है बातें। अंदर बात यही हुई थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हुआ था कि श्रीलंका करेगा, इसका कागज नहीं। और आप इसका भी कंफर्म कर लें, अगर सौरभ गंगुली ने ये बात बोली तो क्यों बात बोली, आप कंफर्म कर सकते हैं? कौन सी वाली बात? ये कि एशिया कप नहीं हो रहा, ACC की रिपोर्ट आने से। ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों बोला? ये कल जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो डायरेक्टर्स हैं, अब उनमें से एक मुल्क ने और मुझे ये बात कंफर्म कर दिया था कि नहीं हो रहा सौरभ गंगुली। मुल्क का नाम नहीं लेना चाह रहे आप? श्रीलंका ने कंफर्म कर दिया था, श्रीलंका ने कंफर्म कर दिया था, चलें ले दिया मैंने। ठीक है, श्रीलंका के एक ऑफिशियल ने मुझे कहा था ठीक है सही कह रहे हो, ये तय हो गया, लेकिन अभी इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, वो हम करेंगे। तो ये ACC को पूछना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, ये पूछना चाहिए। तो झोल है, मैं तो अपने झोल कह रहा हूँ ना कि भाई चलो जी BCCI का चेयरमैन था, उनको पता है, उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर आपने एक्शन लेना तो उनको एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? ये ACC का काम है कि वो अगर इस पे करना चाहें तो आगे बात बढ़ सकती है, लेकिन देर क्यों करते हैं? जब आपको कल पता चल गया कि नहीं होगा तो ऐलान कर दें, या अगर उन्होंने कह दिया। आपके समय एहसान मानी को नहीं पता होगा? पता था, उन्होंने सारे क्रिकेट बोर्ड को पता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मानी साहब का, अगर सौरभ गंगोली को पता है तो सबको पता है। सर मानी साहब ने तो इंडिया के मुख्तलिफ अखबारों में ये कहा है, तो फिर इनको पहले बोल देना चाहिए था, इनको बोल देना चाहिए था पहले, कि वो पहले बोल देते। IPL की वजह से कहा जा रहा है कि इंडिया ये वाली विंडो लेना चाहता है, तो क्या वर्ल्ड कप भी तो खत्म हो गया? वर्ल्ड कप भी खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड कप भी खत्म हो नहीं गया, वर्ल्ड कप खत्म अनाउंस हो सकता है, हो सकता है दुबई में, तो अनाउंस हो गया। UAE में बहुत ज्यादा चांसेस हैं IPL के, देखिए बिल्कुल, या फिर एक शहर में मुंबई में, या एक शहर में मुंबई में, या दुबई में एक शहर में रखने। देखिए मुंबई वो जो बात हो रही है बायो सिक्योर मॉल, आपको पता है हम सिविलाइज कंट्री में, तो आपको पता है कि ये चीजें नहीं मुमकिन है, क्योंकि अगर दुबई की आप जो बात कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि दुबई के अंदर ज्यादा चांसेस हैं, वहाँ हो सकता है। और जाहिर सी बात है IPL एक बहुत बड़ा इवेंट है, और इंडिया जिस तरह आपको पता है कितना पैसा इन्वॉल्व है इस क्रिकेट के अंदर, और हम सब जो अभी भी इंग्लैंड गए हुए, ऑब्वियसली बात है हम इन चीज़ों को जो बात अभी तमीर कर रहे हैं,
यार ये चीज़ें, ये आप मौका निकालो खेलने का। आप जाहिर सी बात है अब ये जो COVID-19 का माहौल है ये चलता रहेगा, ये इतने आराम से जाने वाली चीज़ नहीं है। तो आपने रास्ते निकालने ना, या आपने लड़ना है या उसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया। जहाँ आपको मौका मिलता है इंडिया डेफिनेटली कोशिश करेगा कि ये विंडो निकले और उनको पैसा जनरेट करना है, उनको आता है पैसा जनरेट करना। की बात बताऊं तो नवीर, मैं नुकसान कितना था अगर आईपीएल नहीं होगा तो? 4,000 पता नहीं कितना, 23 मिलियन डॉलर का तो खाली टैक्स होता है जो पिछले वाले, वो टैक्स अभी दिया नहीं ना। नहीं मैं एक इवेंट की बात करूँ, नहीं मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। आईपीएल में नुकसान कितना नहीं होता ये मुझे अब हिसाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार 4000 पता नहीं कुछ, हाँ कुछ 400 करोड़ पता नहीं कितनी है या इससे ज्यादा है। खैर इस फिगर से मैं नहीं जाता, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आईपीएल खेलती है, अगर कोई भी टीम अगर अपना बंदा आईपीएल के लिए देती है अपना प्लेयर, तो उसको उसके पैसे में से 10% मिलता है, उस क्रिकेट बोर्ड को उसके पैसे में से 10% मिलता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि श्रीलंका के अगर 5 प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल और उन सबका मुआहदा $1,00,000 है, तो $5,000 $50,000 हो गया, और $1,00,000 का मुआहदा नहीं होता ज़्यादा। तो ये इतना, तभी तो ये लोग कह रहे थे नुकसान बहुत अगर आईपीएल नहीं हो, इस लेवल का पैसा इन्वॉल्व होता है आईपीएल आपके हर क्रिकेट बोर्ड। ये तो सिर्फ आप एक प्लेयर की बात कर रहे हैं, एक एक प्लेयर के पैसे देता है, ये तो सिर्फ आप एक प्लेयर की बात कर रहे हैं, उसमें गेट पर नहीं आएगी, पता नहीं क्या-क्या चीजें होंगी। ऑस्ट्रेलिया के अगर 15 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के 15 प्लेयर खेल रहे हैं, पैसे आसिफ भाई अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है क्रिकेट का, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आईपीएल के फॉर्म में हो, पीएसएल के फॉर्म में हो, वर्ल्ड कप के फॉर्म में हो। हम क्रिकेट से बहुत दूर हो गए, अभी बड़े अच्छे से क्रिकेट अभी नहीं हुई, आपको पता है हम लोग कि ना लोगों को नींद आ रही थी ना लाइफ में अंदर ऐसी चीज़ लग रही थी कोई मिसिंग है। तो थैंक गॉड क्रिकेट वापस आई है, इसको एंजॉय करते हैं और कोशिश करते हैं कि जहां पर भी क्रिकेट हो रही है उसको बैक करें आप भी, मैं भी बैक करें ना, पहले क्रिकेट, क्रिकेट को तो बैक करवा कौन रहा है, क्रिकेट करवा कौन रहा है सर, क्रिकेट को बैक क्रिकेट बोर्ड देखिए हालात बहुत डिफिकल्ट, क्रिकेट को बैक करेंगे बल्ला तो क्रिकेट और बॉल को बैक करेंगे, क्रिकेट कौन सिफारिशों को बैक नहीं करेंगे, सिफारिशों को बैक नहीं करेंगे भाई, पर्ची तो आप कह रहे हैं ना भाई, यार एक आपको आसिफ में भी आदत है, अभी खुद बॉलर को पता है आदत है बॉल पे थूक लगाने की, आसान काम तो नहीं है ना जो आप बचपन से करते हैं। आज हमने देखा आउट करने के बाद वेस्ट इंडियन बॉलर्स तो टाइम लगेगा देखिए ये एक नेचुरल सी चीज है, आपकी मसल मेमोरी है ना, वो आप किस तरह उसको रोकोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आपने 20-25 साल से काम कर रहे हो, तालियां मार रहे हो, बॉल पे थूक लगा रहे हो, टाइम लगेगा, तो थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। जो प्लेयर्स हैं यार जिनके पॉजिटिव आए हुए हैं, वो अगर किसी को सॉरी नेगेटिव आए हुए हैं जिनको आप तालियां भी मार रहे हो, उनसे क्या आपको कोरोना लग रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का मेरी को इस चीज की अभी तक समझ नहीं आ रही। आपकी बात से मुझे भी बात आपकी ठीक लगती है यार, या तो ये समझ आए ना कि ये प्लेयर जो है ये ग्राउंड से निकल के होटल में चले जाएं, होटल से पीछे खांचा से निकल के कहीं बाहर निकल जाएं, कभी उधर निकल जाए, कोई इधर निकल जाए, समझ रहे ना, एक दरवाजा खोल के छुप के निकल जाए, तो वो बाहर से आए तो समझ भी आती है भाई, इसको हाथ ना मिलाओ, ये ना करो, वो ना करो, ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें नरमी हो जाएगी मेरे ख्याल से। आज देखे ना, एक रिव्यू ज्यादा दिया था तो उसका कितना अच्छा फायदा उठाया, तीन है ना, तीन रिव्यू हो गए ना, पहले रिव्यू ज्यादा दिया ना कि अंपायर आपके लोकल हैं ना तजर्बेकार हैं, आज नहीं है ये अभी इस सिचुएशन में, तीन है तो उसका बड़ा अच्छा फायदा उठाया जी। समझ देखिए सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट है ना, आपको मार्जिन देना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हर जगह उसमें रोच ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया इनको पहले ओवर में लेके जाया करवा दिया। नहीं और भी चीजें हुई हैं, लेकिन खैर अब क्रिकेट शुरू हो गई, ये बड़ी अच्छी बात है, तो क्रिकेट अब आहिस्ता आहिस्ता चलेगी तो बहुत सारी चीजें जो आपको लग रही है वो बेहतर हो जाएगी, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, आईसीसी के, हम सब के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।